हम आए हुए हैं कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के समौता गांव में, जो आज आपसे मिलाते हैं। कैमूर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो बिहार में एक हस्ती पहचान रखते हैं, पारसनाथ सिंह से। आज पारसनाथ सिंह से आपसे मिलाते हैं, जो बिहार की धरती इनका नाम अदत लेता था, जो आज मेरे चैनल के लिए समय दिए हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। आज मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में पहले कुछ मुद्दा होता था, लेकिन आज मुद्दा नगण्य हो गया है। आप लोग अनुभवी रहे हैं, लंबे अरसे तक समाज के काम किए हैं, तो पंचायत चुनाव पर आपको क्या कहना है? सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत चुनाव एक स्वायत्त शासन है। इस स्वायत्त शासन में जो नियम बनाए गए उसका अनुपालन किसी भी पंचायत में नहीं हो रहा है, और विश्वसनीय के प्रभारी मंत्री आए हुए थे मोहनिया पुस्तकालय भवन में। कम से कम 250 लोगों का जमावड़ा हुआ था, तो उसमें विकास की फाइल खुली हुई थी। मंत्री, प्रभारी मंत्री जी बैठे हुए थे, विश्वसनीय के डीएम थे, सारे डीडीसी थे, सारे अफसर थे। जब करोड़ों की फाइल खुली तो मंत्री जी ने कहा, वाह डीएम साहब, कमाल कर दिया, वाह वाह। सुन रहे थे सारे। मैंने कहा, मंत्री जी करोड़ों की फाइल देखकर तो आप कहते हैं वाह वाह, लेकिन ये पैसे जहां खर्च हुए हैं वहां लोग कर रहे हैं आया, इसकी फरियाद कहां होगी? अब तो मंत्री चुप हो गए। तो उन्होंने कहा कि डीएम से कि जवाब दीजिए। डीएम ने कहा कि मैं तो टेक्निकल नहीं। मैंने कहा, डीएम साहब आप सरकार के प्रतिनिधि हैं और जिला के मालिक कहे जाते हैं, आप प्रशासनिक हेड हैं जिला के, तो क्या मैं मनमोहन सिंह से सवाल करता तो कहते कि मैं टेक्निकल नहीं हूँ। टेक्निलिटी की व्यवस्था तो आपको ना कर रही है, लेकिन आपने कौन सी टेक्निलिटी की व्यवस्था की है? अब इस पर जनता बोल उठी। इतना ही कहने पर जनता बोल उठी कि सब पता चल गया। बस भैया, हम लोगों ने सुना था आपका नाम, लेकिन आज देखा कोई नहीं बोलने वाला है सच्चाई। मैंने जिस तरह से इसको उजागर किया, सारे मंत्री के सामने, सारी जनता के सामने, प्रशासन के सामने, डीएम वगैरह सारे